झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी पूरी मजबूती के साथ वापसी करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाबूलाल मरांडी की जेवीएम का बीजेपी में विलय हो गया और करीब 14 साल के वनवास के बाद बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी हो गई। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान मरांडी के साथ जेवीएम के कई पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि बीजेपी में जेवीएम के विलय के बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना सकता है। मरांडी 2006 में बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बना चुके थे। हालांकि उनकी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था और लगातार गिरता गया। 2009, 2014 और 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी को 11, 8 और क्रमशः 3 सीटों पर ही जीत मिली। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल की घर वापसी के बाद झारखंड में बीजेपी की सियासत में बदलाव हो सकता है। राज्य में एक अदद आदिवासी चेहरे की तलाश कर रही बीजेपी को बाबूलाल मरांडी के रूप में एक ऐसा नेता मिल गया जिसकी जड़ें संघ से जुड़ी हैं, जो झारखंड की राजनीति का जाना माना नाम है।